नमस्ते, आज हम देखेंगे ग्लोबल इंपोर्ट का यूज क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के अंदर एक ग्लोबल इंपोर्ट करके एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसका हम यूज ऐसे कर सकते हैं कि अपना जो भी सब्जेक्ट सेटअप है या फिर जो भी अपना स्ट्रक्चर है पूरा इंस्टीट्यूट का, वो पूरा इंस्टीट्यूट का स्ट्रक्चर हम लोग ग्लोबली इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक आपको बहुत ही अच्छा एक फीचर आपको दिया हुआ है ग्लोबल इम्पोर्ट करके, जिसमें फॉर एन एग्जाम्पल मेरे को जैसे CBSE इंग्लिश मीडियम जो है, तो मैं यहाँ पे CBSE सिलेबस में सिलेक्ट कर लूँगा उसको। जैसे मुझे यहाँ पे जो सीनियर सेकेंडरी डिपार्टमेंट है मेरा, इसके अंदर इम्पोर्ट करना है। तो जैसे मैं सीनियर सेकेंडरी डिपार्टमेंट सिलेक्ट करके गेट डेटा पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास 6, 7, 8, 9, 10 करके ये स्टैंडर्ड सारे आ गए हैं जो CBSE के ग्लोबल स्ट्रक्चर के अंदर अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मेरे पास जो मैं स्टैंडर्ड में आ जाता हूँ, यहाँ पे जैसे मेरा सीनियर सेकेंडरी डिपार्टमेंट है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो एज ऑफ नाउ मेरे पास कोई भी स्टैंडर्ड्स अभी तक मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे मेरे पास 6, 7, 8, 9 and 10 ये सारे स्टैंडर्ड ले लेता हूँ। अभी जैसे 6, 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड जो है, इसके अंदर अगर मेरे पास दो दो क्लासरूम है, तो मैं यहाँ पे 2 दे दूंगा, यहाँ पे 2 दे दूंगा, इस हिसाब से मैं दो दो क्लासरूम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे सारे सब्जेक्ट भी इम्पोर्ट करने हैं, ये तो मैंने स्टैंडर्ड और क्लासरूम मैंने क्रिएट कर दिए फॉर एन एग्जाम्पल, इसके साथ साथ अगर मुझे सब्जेक्ट भी मैप करने हैं जो ग्लोबल स्ट्रक्चर के अंदर अवेलेबल है, वही सारे सब्जेक्ट भी मुझे अगर मैप करने हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अगर सब्जेक्ट के साथ साथ मुझे लेसन प्लानिंग भी ऐड करना है, लेसन प्लानिंग मतलब मेरा सिलेबस, तो वो सिलेबस भी मुझे इम्पोर्ट करना है ग्लोबल स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो इस हिसाब से मुझे यहाँ पे लेसन प्लानिंग भी सिलेक्ट कर देना है। और जैसे ही मैं इम्पोर्ट ग्लोबल पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे वो सारा लेसन इम्पोर्ट हो जाएगा। तो अभी जैसे ही मैं इम्पोर्ट ग्लोबल स्ट्रक्चर पे क्लिक करूंगा, इसको मैं इम्पोर्ट कर देता हूँ यस इम्पोर्ट पे क्लिक करके, तो अभी जैसे ही ये यहाँ पे मुझे कुछ भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे वो सारा इम्पोर्ट हो चुका है। तो अभी इसका हम यूज कैसे करेंगे अगर हमें देखना है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस स्टैंडर्ड मैनेजमेंट के अंदर। यहाँ पे हमने अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर दिया, इसको हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं जो डेटा अभी तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वाओ, यहाँ पे हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10 सारे स्टैंडर्ड ऐड हो चुका है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जैसे 10th स्टैंडर्ड पे मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास 2 क्लासरूम हमने ऐड किए थे, तो एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 क्लासरूम भी ऐड हो चुके हैं। उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट भी हमें यहाँ पे शो कर रहे हैं। अभी जैसे हम सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लेसन मास्टर ओपन करेंगे। जैसे हम लेसन मास्टर ओपन करते हैं, यहाँ पे हमें सिलेक्ट कर देना है अपना डिपार्टमेंट, तो मैं यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी डिपार्टमेंट लेता हूँ, यहाँ पे वो मेरे को जो भी स्टैंडर्ड थे रिस्पेक्टेड वो मिल जाएंगे। इसको मुझे 6, जैसे मैंने 6 स्टैंडर्ड का देखना है, तो 6 स्टैंडर्ड सिलेक्ट करके मेरे पास जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद जैसे ही गेट डेटा पे क्लिक करूंगा, तो अगर जो भी ग्लोबल स्ट्रक्चर के अंदर वो भी जो कोई भी लेसन अवेलेबल रहेंगे, तो वो लेसन मुझे यहाँ पे शो कर देंगे। तो इस हिसाब से मुझे यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे अभी हम लोग एक और इम्पोर्ट करके देखते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल CBSE इंग्लिश मीडियम का भी सिलेबस मुझे इम्पोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जैसे मुझे उसमें से 11th कॉमर्स चाहिए, 12th कॉमर्स चाहिए, साइंस एंड कॉमर्स, ये दोनों डिपार्टमेंट मुझे ऐड करना है, इसमें एक एक ही क्लासरूम रखना है, मुझे इन सब में सब्जेक्ट भी चाहिए और उसके साथ साथ मुझे लेसन प्लानिंग भी मिलना चाहिए। तो ये सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं ग्लोबल इंपोर्ट पे क्लिक करके इसको यस इंपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे जैसे ही मैं आके इसको रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे और भी स्टैंडर्ड ऐड हो जाएंगे, राइट, स्टैंडर्ड 10, 11th कॉमर्स साइंस एंड 12th कॉमर्स साइंस, उस हिसाब से सारे सब्जेक्ट भी ऐड हो चुके हैं। तो मैं अगेन यहाँ पे लेसन प्लानिंग में आ जाता हूँ, लेसन मास्टर में, जैसे लेसन मास्टर में आ जाऊंगा, यहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर देना है, उस डिपार्टमेंट वाइज जैसे मुझे 11 साइंस का सिलेबस देखना है, इंग्लिश है, जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट में सिलेक्ट करके जैसे सर्च करूंगा, तो यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर के अंदर जो भी लेसन अवेलेबल है, जो भी सिलेबस अवेलेबल है, वो सारे सिलेबस मुझे यहाँ पे शो कर देंगे। तो इस हिसाब से हम पूरा ग्लोबल इम्पोर्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं जो हमें इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में मिलेगा। तो इस हिसाब से हम पूरा ग्लोबल इम्पोर्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं।